आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ बंगाल की बहुत ही प्रसिद्ध और पारंपरिक मिठाई भप्पा दही, जिसको कि बनाने में सिर्फ 3 चीज़ों का यूज़ होता है। ये मिठाई देखने में जितनी अच्छी लगती है, खाने में ये उससे ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और इसको गर्मियों में खाने का एक अलग ही मज़ा है। आज मैं भप्पा दही बनाऊँगी आपके लिए मैंगो फ्लेवर का, जो कि खाने में टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी भी होता है। आप इसको एक बार मेरी तरीके से ज़रूर ट्राई करें, आपके घर में ये सभी को बेहद पसंद आएगा, क्योंकि इसमें आपको आइसक्रीम का भी टेस्ट आता है, जिसकी वजह से खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को इसे शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, मैं हूँ कविता, हेल्दी क्रेविंग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इस बंगाल की प्रसिद्ध मिठाई को बनाते कैसे हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी है दही। तो ये मैंने लिया है 500 ग्राम दही, फ्रेश दही लिया है। दही को चलनी के ऊपर डाल के रख दिया था करीबन 3 से 4 घंटे के लिए। अभी गर्मियां हैं तो मैंने इसे फ्रिज में रख के रखा था, जिससे कि ये बाहर खट्टा नहीं हो। तो दही से सारे पानी अलग हो गया है और देखिए हमें ये हैंग कट तैयार मिल गया है। अब इसे एक बाउल में कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे हम ये कंडेंस मिल्क। भप्पा दही में कंडेंस मिल्क ही डाला जाता है। ये लिया है मैंने इसमें 100 ग्राम। अब साथ ही डालेंगे इसमें हम मैंगो प्यूरी। तो मैंने इसमें ये 2 आम की प्यूरी बना ली है, पानी बिल्कुल नहीं डाला है, बस इसे ग्राइंड कर लिया है। तो देखिए आम को भी इसमें डाल देंगे। अब साथ ही डाल रही हूँ मैं इसमें थोड़ा सा इलायची फ्लेवर, क्योंकि मुझे इसमें इलायची फ्लेवर पसंद है। अब क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को हमें विस्क से अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आपके पास में विस्कर नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसको स्पून से भी लगातार फेंटते हुए मिक्स करेंगे। तो देखिए इसे हम अभी लगातार 3 से 4 मिनट फेंटेंगे, जिससे ये एकदम फ्लफी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जब मैं विस्कर को उठा रही हूँ तो ये बिल्कुल भी गिर नहीं रहा है, ये बिल्कुल मतलब सेट हो गया है। हमें ये इस कंडीशन आने तक फेंटना है। अब इसमें से विस्कर को हटा देंगे। अब इसे हम स्टीम करेंगे। तो देखिए, स्टीम करने के लिए मैंने ये केक पॉट ले लिया है, कोई भी हल्का बर्तन ले सकते हैं आप। इसको ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया है, बटर पेपर को भी मैंने इसमें ग्रीस करके लगाया है। अब ये हमारा जो है इसका पैन तैयार हो गया है। अब इसमें डाल देंगे हम भप्पा दही का सारा मिश्रण। अब इसको थोड़ा सा टैप करेंगे, जिससे इसमें अगर एयर वगैरह होगी ना तो वो निकल जाएगी। भप्पा दही स्टीम करके बनाया जाता है। तो देखिए, अब इसको हम स्टीम करेंगे। तो मैंने ये कढ़ाई में पानी 1 ग्लास पानी डालकर इसे उबलने रख दिया था। देखिए पानी में उबाल आने लगा है। अब इसमें हम कोई भी नीचे देखिए इस तरह की प्लेट डाल देंगे, आप कोई स्टैंड भी रख सकते हैं। अब उसमें हम इस कंटेनर को रखेंगे और प्लेट से ऊपर कवर कर देंगे। फ्लेम को रखेंगे मीडियम से हाई और इसको करीबन 20 से 22 मिनट के लिए हम जो है ना कुक होने देंगे, अच्छी तरीके से बॉयल होगा। तो देखिए, इसके बाद मैं चेक कर रही हूँ, इसको उबलते हुए हो गए हमारे 20 से 22 मिनट हो चुके हैं। अब इसे चेक कर लेते हैं। फ्लेम को बंद कर दिया है मैंने। कोई भी देखिए इस तरह की हम ये सिलाई डाल के देखेंगे, या कोई आप इसमें वो भी डाल के दे सकते हैं, नाइफ वगैरह भी। देखिए बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब ये तैयार है। अब इसे हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे और इसे रख लेंगे हम उठाकर अपने किचन स्लैब पर, और इसे हम ठंडा होने देंगे, बिल्कुल ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा। उसके बाद में उसे उठा के हम रखेंगे फ्रिज में, उसके बाद इसे डिमोल्ड करेंगे। हमें उससे पहले इसे डिमोल्ड नहीं करना है, इस बात का आप खास ध्यान रखें। तो इसे हम बिल्कुल अब ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो देखिए, अब इसे ठंडा होते हुए करीबन हो गए हैं 3 से 4 घंटे और ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब साइड से देखिए, स्पून से थोड़ा सा इसे हम इस तरीके से चला लेंगे नाइफ से, और एक प्लेट रख के इसके ऊपर इसे पलट लेंगे थोड़ा सा ऊपर से टैप करके। देखिए ये आ गया ना, निकल गया इजीली। अब इसके ऊपर से जो ये हमने बटर पेपर लगाया था ना, इसको हटा देंगे। अब थोड़े से कटे हुए आम से इसे हम गार्निश करेंगे। आप इसके लिए कोई भी फ्लेवर का आम ले सकते हैं। थोड़े से मैं इसे पिस्तों से भी गार्निश कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट अपनी पसंद से आप कोई से भी डाल सकते हैं। तो दीजिए, हमारा ये बहुत ही बढ़िया ठंडा ठंडा भप्पा दही तैयार है। अब इसे कैसे कट करना है वो देख लेते हैं। तो देखिए, आपको कट करने से ही पता पड़ रहा होगा कि कितना सॉफ्ट है। अब इसे धीरे से हम इस तरीके से उठाएंगे। लीजिए, हमारा बहुत ही बढ़िया भप्पा दही रेडी हो चुका है खाने के लिए। अब इसे आप जल्दी से बनाइए, खाइए और सभी को खिलाइए। आप सभी को मेरी आज की बंगाल की फेमस मिठाई भप्पा दही की रेसिपी कैसी लगी, कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल हेल्दी क्रेविंग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।